होती है, माँ की शूटिंग चल रही है। आज यहाँ पर जो है हमारी जो माँ हैं उनकी बहुओं ने उनकी मर्दी के खिलाफ एक पार्टी रखी हुई है जिसमें लोग शराब पिए हुए हैं, और माँ अचानक आ जाती है और यहाँ पर आपस में तकरार होती है और इस तरीके से फैमिली में झगड़े शुरू होते हैं। कहानी का कंसेप्ट तो यही है, माँ की कहानी तो एक ही होती है, माँ तो माँ ही होती है चाहे अमीर हो या गरीब है। इसमें एक ऐसी माँ है और हर माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। इसमें भी बच्चे जब बड़े हो जाते हैं माँ के बारे में सोचना छोड़ देते हैं, अपने बीवी बच्चों में उलझ जाते हैं, तो माँ की जो फीलिंग होती है उसको दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन माँ कभी भी अपने बच्चों के बारे में गलत नहीं सोचती है, हमेशा वही प्यार देती है जो बचपन में देती थी, वही जवानी में देती है, वही बुढ़ापे में देती है। भैया ऐसा है कि अभी जो नए और पुराने की बात होती है तो बड़े स्टार तो मिलेंगे नहीं पैसा होने के बाद भी, तो हमारी कहानी है उसको हम स्टार समझ के चल रहे हैं और हमारे रोल के हिसाब से ऑडिशन में जो लोग ओके हुए, जिन लोगों ने एक अप टू द मार्क हमको ऑडिशन दिया उनको हमने कास्ट किया है। वैसे अलावा निशिगंधा वार्ड जी, श्रावणी गोस्वामी, शक्ति कपूर, पृथ्वी जुत्सी और भी काफ़ी करेक्टर्स हैं जो नोन है और हमारे रोल में जो फिट है हमने उन्हीं को लिया है। अभी हम इसको समझ लीजिए 50% हम कंप्लीट कर चुके हैं, इंशाल्लाह मई तक पिक्चर कंप्लीट कर देंगे। एक तो हम है किंग जो 8 मार्च को रिलीज़ हो रही है इंशाल्लाह, और उसके बाद ये कंप्लीट करके हम लोग कर रहे हैं मेहंदी 2। ये अभी नहीं, उसको उसका अभी हम कुछ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन पिक्चर मेहंदी 2 इंशाल्लाह बहुत जल्दी शुरू करेंगे। सबसे पहले तो काफ़ी खुशी हो रही है कि हम जो एक्सपेक्टेड हमारा जो था वो उससे कहीं ज़्यादा हमारा हो रहा है यहाँ पे, और जो आज हमारा एक म्यूज़िक पे डांस था और जो एक सीन हम सोच के रखे थे कि हम इस सीन के लिए एक अलग से तैयारी की गई थी, तो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है, तो इस बात की खुशी है एक्चुअली। करेक्ट, कि हमारी फिल्म अप्रॉक्सीमेटली 70% कंप्लीट हो चुकी है और अब इसके गाने बचे हैं और कुछ इंडोर शूट और आउटडोर बचे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग काफ़ी जल्दी इसको अब कंप्लीट कर लेंगे। दोनों अपने आप में अलग हैं, सो किसी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। एज ए प्रोड्यूसर मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जब लोग आते हैं और उसको एक पाथ मिला तो वहाँ पे लोगों को देखने का कि हाँ एक अलग से अपॉर्चुनिटी दी जा रही है और लोगों का एक अलग से उम्मीद जुड़ जाता है कि अब जुनैद साहब दूसरी फिल्म बनाएंगे, लोगों को काम देंगे, तो यू नो किसी का रोज़गार देना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा प्राउड फील होता है कि चलो हम फिल्में बनाएंगे और लोग हमारे साथ काम करते रहेंगे, उसमें ज़्यादा खुशी हो रही है। इसमें एज ए एक्टर मैं बस एक बड़े भाई का रोल निभा रहा हूँ और बाकी तो सब जानते हैं, सारे एक्टर वगैरह से आप लोगों की बात हो ही चुकी है, तो एक बड़े भाई का किरदार है। ये रिलीज हम अप्रोक्सीमेटली अभी हमारा 70% हो चुका है, तो 1-2 महीने में हम पूरी फिल्म शूट कर लेंगे, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन में जो भी टाइम लगे करके उसको क्लोज कर देंगे। दर्शकों से मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से एक गुजारिश है, अपील है कि एक इस तरह की जो फिल्म मैं बना रहा हूँ माँ, इसको जाइए थिएटर में देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कीजिए, सो डैट इस तरह की फिल्में बनती रहे और हम बनाते रहें, क्योंकि इसमें एक मैसेज भी है, एक इमोशन भी है, एक माँ जैसे आज के डेट में मैंने ये फिल्म जो उठाई उसके पीछे भी एक एजेंडा था कि लोग पढ़ लिख लेते हैं बट वो ज़्यादा पढ़ने की वजह से वो फीलिंग और मोहब्बत जो होती है परिवार में वो ख़त्म होती जा रही है, न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, तो समहाउ अगर आप ये देखते हैं तो आपको एक एहसास जगेगा जो लोग भूल गए हैं कि माँ क्या होती है।
वो एक दिखेगा कि माँ क्या होती है, और शायद इससे आपकी मोहब्बत, माँ की मोहब्बत में कुछ इजाफा होगा। तो जाइए फिल्म देखिए, सो डैट इस तरह की हम फिल्में बनाते रहें। मैं विशाल मोहन हूँ, ये होती है माँ का लीड एक्टर। इसमें मेरा एक बेटे का किरदार है, अपनी माँ का एक बेटा, जो कि आगे जाकर थोड़ा सा नालायक हो जाता है, पर माँ का साया उनके सर पर हमेशा बना रहता है, इसकी वजह से वो लाइन पर आ जाता है। सर, उनके बारे में इतना ही बोलना चाहेंगे कि हम बहुत खुशनसीब हैं कि इतने एक्सपीरियंस डायरेक्टर के साथ हमें काम करने का मौका मिला। हम तो यही चाहते हैं कि उनसे कुछ प्लस लेके जाए, कुछ सीख के जाए। जितना समय उनके साथ स्पेंड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखने की एक कवायद रहती है कि बस अच्छे पॉलिश होके निकले हम, ताकि इंडस्ट्री में आगे भी काम करें ना, तो वो तजुर्बा काम आए हमें। हाँ, तीसरा शेड्यूल है इसका। कॉन्सेप्ट आपको बताया मैंने, जैसा कि मैंने आपको बताया ना, एक मेरी माँ है जिन्होंने अपनी मेहनत से पूरा एम्पायर खड़ा करा है, और ये बेटे जिन्हें बहुत सारी फैसिलिटी मिल जाती तो शायद भटक जाते, कहीं ना कहीं इस तरह से नहीं भटकते कि बिगड़ जाते या कुछ, एक घमंड आ जाता उनके अंदर कि अब हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारी माँ ने करा तो हम भी कर सकते हैं। बट जब ज़िंदगी की सच्चाई और मुसीबतें सामने आती है, और उस मुसीबत के दौर में माँ से विरुद्ध जाके भी माँ का एक साया इन पे बना रहता है, और इसका टाइटल भी वही है, यही होती है। अच्छा हो बेटा या बुरा हो, माँ का साया हमेशा उसके सर पर रहता है। इसके अलावा मेरे दो प्रोजेक्ट जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, उसका वेटिंग है अभी हाल, क्योंकि उस बैक टू बैक चल रहे, कुछ गाने दिए हुए तो वो चल ही रहे अभी हाल। अपकमिंग मेहंदी 2, हाँ जी, मैं यही कहूँगा कि आप ये मूवी जाकर देखिएगा जब भी रिलीज़ होती है, और बताइएगा, अपना प्यार दीजिएगा, अच्छा हो या बुरा हो उसी का वेट करेंगे। आई एम हर्षिता कश्यप, और मैं इसमें रश्मि का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। ये फिल्म हाफ से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है, अब सॉन्ग्स वगैरह थोड़े से टचअप रह गया है, एंड इट्स अ बेसिकली अ फैमिली ड्रामा जो आजकल बहुत कम देखने को मिल रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि आजकल जैसे अच्छी स्टोरीज़ को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उस तरीके से बहुत ही एक कमाल की स्टोरी लाइन है, और हमारी रेगुलर लाइफ से बहुत कनेक्टेड है। जैसे आजकल लोग जॉइंट फैमिली में ना रह के न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहते हैं। इट्स अबाउट दैट। ये पूरा जो एंटायर क्रू है वो कमाल का है, मेरे लिए इट्स लाइक अ वेरी फैमिली काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। और हामिद सर के तो ऑब्वियसली मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मेहंदी मूवी से ही, एंड इनफैक्ट पूरा क्रू कमाल का है। मैं किसी एक की तारीफ नहीं करना चाहूँगी, सारे के सारे लोग, वेदर, मेकअप आर्टिस्ट और हेयर स्टाइलिस्ट, DOP, सभी बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, मेरा भी दो मूवीज़ इट्स ऑन फ्लोर, एक कॉमेडी तड़का एंड दूसरा मंदाकिनी, एंड एक और मूवी की शूट कंप्लीट हुई है अभी, शिप की शवाना। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये मूवी ज़रूर से देखें और इसे ढेर सारा प्यार दें। ये हमारी फिल्म की सबसे ख़तरनाक और सबसे प्यारी, हंसाने वाली, रुलाने वाली कैरेक्टर हैं, और कैरेक्टर इनका यह है कि इनके पति जी ने एक लॉटरी खरीदी थी, वो लॉटरी इनको करोड़ों की लग गई है, तो ये पैसे को देख के पागल हो गई, इंग्लिश बोलना शुरू कर देती है और पुराने दिन भूल जाती है, और हमेशा सबको बोलती रहती है काश अगर वो थोड़े दिन पहले गए होते तो हम कब को करोड़पति बन जाते थे। बाकी बातें मैडम से पूछ लीजिए। खतरनाक वो दूसरों के लिए प्यार अपने लिए करती हैं। बिल्कुल सही है। जी हाँ, ये कैरेक्टर बहुत ही पावरफुल है, बहुत अच्छा है। कॉम्प्लीमेंट देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि किसे कॉम्प्लीमेंट सुनना अच्छा नहीं लगता, हर किसी को लगता है। क्यों सर? सही बात, सही बात।
क्या 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 खतरनाक नहीं, प्यार वाला कॉम्प्लीमेंट सबसे अच्छा लगता है, प्यारा सा लगता है, प्यार में प्यार छुपा हुआ है। अच्छा, मैं विश करती हूँ, सर को भी विश करती हूँ हैप्पी वैलेंटाइन डे सर। थैंक यू, सेम टू यू। और आप सबको विश करती हूँ हैप्पी वैलेंटाइन डे, सभी की जिंदगी में प्यार से भरा हुआ हो। जी, ये होती है माँ, बहुत ही सेंसिटिव जो माँ का कैरेक्टर है, जो निशी जी कर रही हैं, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है। और जितनी वो सोफिस्टिकेट जो उनका पर्सनालिटी है, बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर मेरा है, मैं भी माँ ही हूँ। तो मेरी लड़की, मैंने वहाँ पे शादी की है, ये एक्चुअली गरीब घर से होती है, तो इनको अचानक एक लॉटरी मिल जाती है, अमीर बन जाती है। और अमीर से ज़्यादा ये इतनी चालू है, सॉरी फॉर द लैंग्वेज, ये इतनी चालाक चतुर है कि हर जगह इसको पैसे ही दिखता है। और पता नहीं अपने आप कुछ स्टाइल चेंज कर, जैसे होता है ना, गरीब आदमी स्टाइल अचानक रातों रात कैसे चेंज हो सकती है, रातों रात चेंज हो जाती है। जिसे बात करना भी ठीक से नहीं आता लेकिन बात करना चाहती है, जिसे इंग्लिश का ई तक नहीं आती वो इंग्लिश बोलती है। और इंग्लिश कैसे बोलती है आपको, आप सुनिएगा ये, और ये फिल्म जब देखेंगे रिलीज हो जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और मैं इस कैरेक्टर को जी रही हूँ, मैं इंजॉय कर रही हूँ इस कैरेक्टर को, क्योंकि हमिद सर और हमिद सर के साथ काम करते हुए इतना अच्छा लग रहा है, इतना कंफर्टेबल फील कर रही हूँ। मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मैं एक नया कैरेक्टर इसमें प्ले कर रही हूँ, और बहुत ही ईजी वे में प्ले कर रही हूँ बिकॉज ऑफ अमित सर, और कैरेक्टर को इंजॉय कर रही हूँ मैं। इतना अच्छा किया है, इतना अच्छा किया है कि हमारे सेट पे हर कोई हंसता रहता है इनके कैरेक्टर को देख के, इनके डायलॉग बोलता रहता है। क्योंकि बिल्कुल बहुत ही कॉमेडी है ये कैरेक्टर जो है, जब भी बोलती है उल्टा ही बोलती है, कुछ ना कुछ ऐसी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है कि वो सामने वाले को गुस्सा भी आ जाए और प्यार भी आ जाए। और सर ने तो पहले प्रूफ कर दिया है अपना काम, अब सर हमारे साथ काम कर रहे हैं, मैं उनके साथ पहली बार काम कर रही हूँ और वो भी मेरे साथ पहली बार काम कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ काम करके आपस में जो बॉन्डिंग है, मैं तो चाहती हूँ सर इसके बाद भी जो भी प्रोजेक्ट बनाए वो मुझे कोई ना कोई, मैं चारों में ज़रूर करूँगी सर, नहीं भी लेंगे ये, तो ये मेरा वादा है, मैं इनको, ये मुझे छोड़ देंगी लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर मैं लिखता रहूँगा। थैंक यू सर। ऑल टुगेदर जो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये होती है माँ, बहुत अच्छी फिल्म है, बहुत अच्छा लगेगा लोगों को, एक बहुत ही प्यारा सा एक नया सब्जेक्ट आ रहा है मार्केट में, और उसके ऊपर मेरा किरदार जो मैं कर रही हूँ, फैंटास्टिक, आई एम वेरी हैप्पी विथ माई कैरेक्टर। ये फिल्म हर उस आदमी के लिए है जो अपनी माँ से प्यार करता है। जी बिल्कुल, और जो अपनी माँ से प्यार करता है वो इस फिल्म को देखेगा ज़रूर। और मेरी जैसे माँ बिल्कुल ना बनी है कोई भी, बहुत ही चलाक है, बहुत ही चतुर है, अपनी बेटी को बिगाड़ते रहती है, हर घर में जाके कुछ ना कुछ आग लगाने के काम करती है ये। ये हाय, मैं माया जायसवाल, ये होती है माँ में मैं बड़ी बहू का रोल प्ले कर रही हूँ। मैंने मोस्टली अभी तक सारे के सारे पॉजिटिव रोल किए हैं, इसमें मेरा थोड़ा सा नेगेटिव शेड है, मीन्स कि मैं अपनी सास के जो उसूल हैं, जो उनके नियम कानून कानून है, उसके अगेंस्ट चलती हूँ, और जो उनके बंधन होते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। तो इस तरह से मैं अपने पति से बोलती हूँ कि मैं उन्हें छोड़ के और कहीं और हम अलग रहते हैं, उनके साथ नहीं, लाइक इस तरह का नेगेटिव शेड है मेरा। वाओ, ये तो बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने मुझसे, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमीद अली जी काफ़ी समय से इंडस्ट्री में है और इतने पुराने और इतने अच्छे लोगों के साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और जो हमारे प्रोड्यूसर इस इंडस्ट्री से बिल्कुल नए, एकदम अलग, मतलब लाइक इस इधर कैसा होता है कि थोड़ा सा कोई नया होता है तो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता, बट वो नहीं, वो अपने काम से काम रखते हैं और हम लोग को बहुत सपोर्ट करते हैं। हाँ, मैं इंदौर से बिलोंग करती हूँ, पिछले 3 सालों से मैं मुंबई में हूँ, और मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे सीरियल भी किए हैं,
डीडी नेशनल पे एजिली मंजिलें हमसे हैं और गरिमा का भी नीली छतरी, पीटरसन हिल, और अभी 2018 में कांस फिल्म फेस्टिवल में मेरी शॉर्ट फिल्म सिलेक्ट हुई है एज ए लीड, उसमें मैंने किया था अलाइव शरद ठाकुर जी के साथ, और अभी जो हमीद अली जी का प्रोजेक्ट कर रही हूँ नव कुमार राजू, उनके साथ मैं वेब सीरीज़ कर रही हूँ। नव कुमार राजू का भी नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, उन्होंने राष्ट्रीय प्रोडक्शन से अपना ये अपना प्रोजेक्ट वगैरह काफ़ी सारे शुरू किए और अभी एक वेब सीरीज बना रहे हैं। टचवुड, मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा। मोस्टली लोग बोलते हैं कि मुंबई आने के बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, बट मेरे लिए ये रहा कि आने के 8 दिन के बाद से ही मुझे काम मिलना शुरू हो गए और सबसे पहला शो मैंने स्टार प्लस पे किया था। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं उन्हें भी ये नहीं कहती कि आप लोग अच्छे नहीं हैं क्या। मैं मोस्टली ये मानती हूँ कि 99% लक के ऊपर डिपेंड करता है। मुझसे भी काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं जो इंडस्ट्री में हैं, बट उन्हें मौका नहीं मिलता। सबसे मेन है लक, और उसके बाद फिर अपना एक लक्ष्य बना के चलो कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से सीन करना है, कौन से नहीं करना है। बहुत अच्छी तरीके से सारी प्लानिंग करके चलेंगे ना तो कभी भी आपको निराशा हाथ नहीं लगेगी। ये फिल्म मीन्स अभी ऐसा लगेगा आपको कि हम किसी फैमिली में बैठ के और ये फिल्म को देख रहे हैं, जो लाइक आज का समय का जो चल रहा है ना कि सास रहती हैं, बहुएं रहती हैं, एक एज डिफरेंस रहता है, सोचों में अंतर रहता है, बट उसके बाद जब माँ, मतलब ये महत्व भी लोगों को पता चलेगा कि माँ कितनी ज़रूरी है। अगर माँ गुस्सा कर रही है तो उसके पीछे भी कितनी सारी अच्छाइयाँ छुपी हैं, और उन अच्छाइयों को जानने के लिए मूवी देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि जो हमारी माँ हमें सिखाने के लिए, हमारे लिए थोड़ा गुस्सा कर रही है, हमें अच्छी सीख देने के लिए हमें घर से बाहर निकाल रही है, फिर हमें जब सीख मिल जा रही है तो फिर वो हमें सपोर्ट करके हमें समझा रही है, तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्हें देखने मिलेगी जो उन्हें माँ के अंदर छिपा हुआ होता है वो उन्हें दिखेगा, ये होती है माँ में। हमीद सर के साथ मैं काफ़ी अरसे से काम करते आई हूँ, मतलब आज माँ का किरदार निभा रही हूँ, लेकिन जब से मैं कॉलेज में थी तब से उनके साथ काम करती आई हूँ। तो मेरे लिए यही काफ़ी था कि ये हमीद जी की फिल्म है और ये जो किरदार है वो तो अहम है, माँ का है। आपके सवाल में ही मेरा जवाब छिपा हुआ है। वाकई ये एक माँ की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होती है, लेकिन ये सिर्फ माँ की कहानी नहीं है, ये रिश्तों की कहानी है। इसमें बच्चों की अपनी कहानी है जो ज़िंदगी उन्हें सिखाती है और माँ कैसे उन्हें सहारा दे सकती है, संभाल सकती है। वक्त ऐसा भी होता है कि जब वो उनके खिलाफ, उन्हें लगता है कि वो हमारे खिलाफ़ है, लेकिन कभी कभी वो चाहती है कि वो खुद को ढूंढे, इसीलिए शायद उनके खिलाफात करती है। एक अच्छी कहानी है। मैं इतना ही कहूँगी कि ये कहानी देखते वक्त देखने वाला हर दर्शक इस कहानी को अपने आसपास महसूस करेगा, ये घर घर की कहानी है। जी बिल्कुल, रिश्तों की अहमियत सिखाता है, हमारे बड़ों को इज्जत देने की बात बताता है, और सच कहूँ हमारी संस्कृति की ये अमीरी है कि हमारे यहाँ अभी भी रिश्तों को बड़ा महत्व है, या बुज़ुर्गों को आदर देने की एक जो भावना है, एक परंपरा है, उसे बरकरार रखते हुए ये फिल्म है। जी फिलहाल मैं और फिल्में कर रही हूँ और पढ़ाई भी चल रही है, अपनी तीसरी डॉक्टरेट कर रही हूँ, तो प्रभु की बड़ी कृपा है, चल रहा है, ये जर्नी जारी है। बस मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हमारे भारतीय होने की ये खूबसूरती है कि हमारे यहाँ रिश्तों को बड़ा महत्व है, तो ये कभी ना भूलें कि जो हमारे माँ बाप ने या हमारे गुरुजनों ने हमारे लिए जो किया है
वो हमेशा याद रखे। अगर हम याद रखेंगे तो हमारे बच्चे याद रखेंगे हम उनके लिए जो